का पार्थिव शरीर पटना लाया गया और दिल्ली से विशेष विमान से पटना लाने के बाद एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मंत्री और बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धालु वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए। पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। वहां पर सुशील कुमार मोदी के चाहने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके समर्थक सभी लोग अंतिम दर्शन कर रहे थे। इसके बाद सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर विधानमंडल परिसर लाया जाएगा, जहां दोनों सदनों में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद बीजेपी कार्यालय भी उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए दीघा घाट पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। शाम करीब 5:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार होगा। और आपको बताएं कि सुशील कुमार मोदी पिछले कुछ समय से कैंसर से लड़ रहे थे और बीती रात दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। बीच में कोई नहीं आएगा, बीच से खाली कराइए आप लोग, बीच में कोई नहीं आएगा। वो सबके अभिभावक थे, दोस्त थे, भाई थे, सबको साथ लेकर चलते थे। कभी उनके अंदर पद का अहम नहीं था। हम सबके लिए व्यक्तिगत लॉस है। देखिए, सुशील मोदी अपने आप में एक प्रेरक थे, एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे इंसान थे जो नेक थे। सिर्फ राजनीतिक क्षति नहीं है, हर के लिए परिवार का क्षति है। वो चिंतक थे, प्रेरक थे, समाज सेवक थे। उनके ईमानदारी के बारे में चारों सदन के नेता रह चुके हैं। देश के एक बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 3 दशक तक राजनीति में बेदाग रहे और पूरी तरह से आम लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को, अपने डाटा आंकड़ा अनुभव की किताब थी। ये सभी सदन के सदस्य भी रहे, संगठनात्मक अद्भुत क्षमता था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कार्यकर्ता को मान्य श्रद्धे कैलाश जी के बाद कोई व्यक्ति था तो माननीय सुशील मोदी जी जानते पहचानते और सबको लेकर के चलते थे। बिहार भाजपा के लिए बड़ा नुकसान है। हम समझते हैं उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचने का काम किया, वर्षों से पार्टी को बढ़ाने का काम किया, मजबूत करने का काम किया। और जब वो डिप्टी सीएम बने, हम समझते हैं कि एनडीए की जब सरकार बनी तो सुशासन स्थापित करने में उनका बड़ा रोल रहा। वो अच्छे एक शासक के रूप में भी काम किए, बिहार के विकास के लिए भी बड़ी भूमिका रही है। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताया और दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना दी। तो पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है, अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। और इसी कड़ी में पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताते हुए दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना दी। तो सुशील कुमार मोदी के संदर्भ में बस ये बातें कही जा सकती है, धीर गंभीर वैचारिक नीतिगत तरीके से उन्होंने राजनीति की। और आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सभी ने, खासकर नीतीश कुमार ने, उन दिनों को याद किया और खेद प्रकट किया। कल रात उनका देहांत हो गया और ये देश के लिए, और क्योंकि राज्यसभा में वो थे और खास तौर पे बिहार से वो आते हैं और आंदोलन, जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट के समय से मेरे पिताजी के साथ भी रहे, कॉलेज में भी वो रहे वहाँ पे। और एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तिगत क्षति है और राज्य के लिए भी बहुत मतलब दुखी सब उनके परिवार को भगवान सांत्वना दें और उनके परिवार के साथ हम लोग इस घड़ी में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अपूर्णीय क्षति हुई। सुशील मोदी एक कुशल संगठनकर्ता ही नहीं, बिहार के जननेता थे और आर्थिक क्षेत्र में बिहार की समृद्धि में और राज्यसभा के रूप में देश के अंदर भी उनका आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से ऐसे साथी और मित्र के न रहने पर काफी दुख है। मैं अपनी श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करता हूँ। सुशील मोदी जी
बिहार में जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव। सभी विधायकों के प्रति उनका हमेशा सहयोग रहता था, तो उनका जाना एक बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करते हैं। इस समय के बहुत पावन थे। मैंने कई बार मैं कटिहार में या अन्य जगहों पर भी देखा है कि वो नियत समय पर भले जलपान वो करें या न करें, लेकिन नियत समय पर वो गाड़ी पर बैठ जाते थे और जलपान वो गाड़ी पर ही करते थे। समय के बहुत ही पाबंद थे और छोटी छोटी भूलों पर भी वो हम सबों को मार्गदर्शन करते रहते थे। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है 1972 से लेकर अभी 2024 का एक लंबा सफर उनके सानिध्य में व्यक्तिगत तौर पर मैंने किया है। पुण्य क्षति है बिहार के राजनीतिक जगत में इतने सरल सहज सुलभ और इतने ईमानदार चरित्रवान राजनीतिज्ञ में अपने दामन को बचाकर इतनी पवित्रता के साथ शायद ही विरले लोग इस तरह की राजनीति में अपने को बचा के रख पाते हैं। और इनकी सहजता पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता था। हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपनी निकटता महसूस करते थे और आज इनकी अनुपस्थिति कहीं न कहीं खलेगा हर लोगों को। निकट भविष्य में यह क्षति की भरपाई नज़र नहीं आती है। देखिए, हमारे श्रद्धेय सुशील मोदी जी का अकस्मात कैंसर से पीड़ित थे, उनका निधन हो गया। इस सबसे हम लोग बहुत मर्माहत है, दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवारजनों को इस सदमा को सहने की शक्ति दें। और वो हमारे ऐसे नेता थे जो देश के लिए 11 वर्ष उप मुख्यमंत्री, अपने हम लोगों के बिहार के लिए 11 बार उप मुख्यमंत्री बने और चारों सदन के लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चारों के सदस्य रहे। वैसे नेता को हम लोगों को खोना हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति। सुशील कुमार मोदी जी का निधन बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सुचिता की राजनीति के अमिट हस्ताक्षर थे वो। वो केवल नेता नहीं बल्कि एक व्हिसिल ब्लोअर के तौर पर समाज में हमेशा खड़े रहे। तो लगातार समर्थक हैं, उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है अंतिम दर्शन के लिए। और पटना एयरपोर्ट पर जब उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तब की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सुशील कुमार मोदी के बारे में पक्ष हो या विपक्ष, जैसा कि हमने कहा, सभी लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद अब उनकी यादें ही शेष हैं। पटना में वे अपने घर पर सुबह सवेरे अखबारों की खबरों पर नजर डालने से अपने दिनचर्या की शुरुआत करते थे। सुशील मोदी से जुड़ी यादों पर उनके घर से और भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि नारायण। सुशील मोदी जी का निधन हो गया है और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं वो मर्माहत हैं। छोटे बड़े उनके साथ काम करने वाले सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। और राजेंद्र नगर स्थित जो आवास है वहाँ पे हम पहुँचे हैं और एक तस्वीर हमें आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये वो टेबल और कुर्सियाँ हैं जहाँ पे जो तमाम लोग जो हैं वो पहुँचते थे। और कोई भी काम हो, किसी भी ढंग की ज़रूरत हो, यहाँ तक कि जब हम लोग भी अपने बाइट लेने के लिए जब पहुँचते थे तो यहाँ पे जो टेलीफोन हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं, ये सीधा कनेक्ट होते थे। सुशील मोदी ऊपर बैठे रहते थे और कोई से भी, किसी से भी बात करनी हो तो यहाँ पे आकर के वो बात करते थे। मुझे याद है कि जब मैं जब भी अब आता था
तो आप हमेशा अखबारों को कटिंग करते हुए ही देखते थे, हमेशा कैंची लेकर आप अखबार काटते थे, क्या दिनचर्या रहती थी? सुबह से उनका यही है पहला जो न्यूज देखना, सुबह सुबह उनको पहले पूरा न्यूज चाहिए, वो चीज देखते थे, बाकी ही कोई काम होता था। कितना न्यूज पेपर का कटिंग करते थे? कम से कम 10-12। शत्रुघ्न जी हमारे साथ है जो यहाँ पे दशक से उनके साथ रहे हैं, पहले उसे कोई वाक्य ऐसा याद है जो? मैं उनके साथ पार्लियामेंट्री कमेटी के टूर पर लेह में था, एयरपोर्ट पर हम लोग थे, एक बच्चा 8-10 साल का होगा दौड़ते हुए आया, कहा कि सर सर आपके साथ मैं सेल्फी लूँगा। उन्होंने पूछा कि अरे भाई तुम कौन, कहाँ से हो? तो हम गुजरात से हैं, हमको पहचानते हो? तो बोले कि हाँ आप छोटे मोदी हैं, बिहार वाले मोदी हैं। उन्होंने कहा एक नहीं तुम 10 ले लो। गंडोला में हम लोग थे, वहाँ पर भी कुछ फल व्यवसाय लोग जो थे वो से होके पहुँच गया, नमस्कार पाती हुए कहा कि सर हम बिहार बराबर जाते हैं बाप के, और यहाँ से सेव का खेती है हमारा, हमारा सप्लाई वहाँ होता है। यानी जहाँ भी पूरे देश के अंदर कहीं भी जाइए, पूरे देश के ही नेता थे और पूरे देश में लोग इनको जानने वाला पहचानने वाला। कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर पहुँचता था तो सबसे खास बात यह होती थी कि उनसे जुड़ी हुई जो उनकी जो पुस्तकें हैं। तो उनके घर पर जहां हमारे सहयोगी संवाददाता रविश नारायण मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बस यादें शेष हैं और किस तरीके से उनकी दिनचर्या शुरू होती थी, कैसे वो पेपर की कटिंग करते थे और उन सभी तथ्यों के आधार पर वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे। यानी कि एक ऐसे सजग राजनेता के तौर पर उनकी छवि थी जिनके हर शब्द एक दस्तावेज होते थे। पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी यहाँ पे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट जहां पर पार्थिव शरीर लाया गया, तब से लेकर अब तक की जितनी भी अपडेट तस्वीरें हैं सारी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। पूरा सफर, पूरी जिंदगी का सफर सुशील कुमार मोदी का, वो भी आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे और कैसे कैसे वो